नरसिंहगढ़ में भूतेश्वर मुक्ति धाम सूरजपुर पर शिव पुराण कथा का आयोजन चल रहा है, जहां दूसरे दिन श्रद्धालुओं ने कथा श्रवण की। ऐसा पहली बार है कि शमशान मुक्ति धाम में शिव पुराण हो रहा है। पहली बार भक्तों की यहां भीड़ भी देखी जा रही है। कथा वक्ता जयश्री नागर जी ने पहली बार मुक्ति धाम भूतेश्वर पर शिव पुराण कथा का आयोजन किया है। को भूतेश्वर मुक्ति धाम पर आप कथा वक्ता हो जय श्री नागर जी, बड़ौदा तालाब एवं श्यामपुर वाले, आप यहाँ की जगह सूरजपोल मुक्ति धाम भूतेश्वर मुक्ति धाम पर जो कथा हो रही है, इसमें आप थोड़ा प्रकाश डालिए। देखिए, कथा पर प्रकाश की आवश्यकता है तो कलयुग के साक्षात चिंता का हरण करने वाले, सभी का कष्ट मिटाने वाले देवों के देव महादेव की यह कथा है। महादेव की कथा जो देवों के भी देव कहे जाते हैं, आज की कथा में जिस प्रकार बताया, और सबसे पावन पवित्र भूमि पर हम बैठकर विराजमान होकर ये कथा श्रवण कर रहे हैं। जीवन का अंतिम सत्य मृत्यु और मृत्यु के ही स्थान पर शमशान में बैठकर हम यहाँ कथा श्रवण कर रहे हैं। और इतना सुंदर यहाँ पे भगवान का मंदिर भी, और दूसरी तरफ शमशान, एक तरफ है महाकाल। शमशान में आपने कितनी बार शिव पुराण कर चुके हो? ये पहली बार अवसर मिला। और जिसे कह सकते हैं तो बहुत अच्छा सा अनुभव भी कर पा रहे। हाँ, सही है। भक्तगण खुले में करवाते हैं, मंदिर में करवाते हैं, घर पे करवाते हैं, खुली जगह में करवाते हैं, पर ये एक अद्भुत देखने को मिला है कि भूतेश्वर महादेव मुक्ति धाम पर शिव पुराण, वो भी महंत जय श्री नागर जी के मुखार्क बिंदुओं से। भगवान की कृपा है, भगवान की कृपा कब हो जाए, अकारण करना बढ़ना ले कहते हैं, बिना किसी कारण के कृपा करने का कोई काम करता है तो भगवान भोलेनाथ। आज आपका कौन सा दिन है? तृतीय दिवस था, कल कथा का तृतीय दिवस रहेगा। कल की कथा में हम श्रवण करेंगे किस प्रकार शिवलिंग प्रकट हुआ, कहाँ से प्रकट हुआ, कब प्रकट हुआ, यह सब कल की कथा में विस्तार पूर्वक बताएंगे। भोलेनाथ की कथा में कल आप पूरी जानकारी देंगे? जी, बाकी तो भोलेनाथ की कथा नौ दिन से कथा है, धीरे धीरे एक एक सीढ़ी करके चढ़ेंगे भगवान की कथा। अच्छा, अच्छी बात है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सिंगर से वीरेंद्र प्रताप सिंह की रिपोर्ट।